हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम क्विक एंड ईजी इंडियन फ्राइड डोनट्स बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है और आप इसको बना के 2 से 3 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और क्वान्टिटी आप ऊपर नीचे अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डोनट्स बनाना। डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले पानी बॉयल करके ले लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गुड़। सारा गुड़ ऐसे गर्म पानी में डाल देते हैं। याद रखिएगा गुड़ थोड़ी अच्छी सी जगह से ही लीजिएगा, क्वालिटी वाला गुड़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम पानी में गुड़ डालते हैं तो नीचे थोड़ी सी किरकिर आती है। अगर आप किसी भी जगह से ऐसे लोकल सी उठाएंगे तो उसमें ना थोड़ी सी मैल होती है, तो आप ख्याल रखिएगा कि कोई अच्छी क्वालिटी का अच्छी जगह से ही लें। अब गुड़ और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब गुड़ एक बार अच्छे से घुल जाए तो इसको हम साइड में ढक्कन लगा के रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में आटा लिया है, उसमें मैंने डाला है सौंफ, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और घी डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा कि घी अच्छे से मिक्स हो जाए सब में। सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें जो गुड़ का घोल बनाया हुआ है हमने वो डालेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ी देर मिक्स करेंगे इसको। फिर से थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम थिक बैटर बनाएंगे। इसका स्मूथ होना चाहिए बैटर एकदम। देखिए अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तैयार हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम हीट में एक पैन रखा है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है डीप फ्राई करने के लिए। तेल गरम होते ही अब हम हाथ में 1 टेबल स्पून जितना बैटर लेंगे और ऐसे आराम से तेल में गिरा देंगे इसको। देखिए आराम से कीजिएगा, तेल गरम है तो आपके हाथ में लग सकता है, इसीलिए आराम से बिल्कुल ऐसे ही सारे बैटर को गिरा लेंगे। और साइज़ और शेप का चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये फूलने के बाद सब सेम ही दिखता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसको ऐसे ही पलटते हुए मीडियम हीट में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। याद रखिएगा इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। अगर आप गैस को बहुत तेज़ करेंगे तो ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा, तो आपको इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम में आराम से ऐसे चलाते हुए चारों तरफ घुमाते हुए ऐसे ही फ्राई करना है। देखिए 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसका कलर कितनी बढ़िया तरीके से चेंज हो गया है। अब ये लगभग निकालने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं इनको एक बार फिर से उलट रही हूँ, उसके बाद मैं सारा निकाल लूँगी। अब मैं इनको सारा निकाल के किचन पेपर के ऊपर रखूँगी। सारे डोनट्स को निकाल के साइड में रखने के बाद जो बचा हुआ बैटर है मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। अब इनको भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लूँगी। आप लोग इसको तुरंत भी खा सकते हैं गर्मा गर्म, या फिर आप लोग इसको ठंडा करके भी 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। जब भी सर्व कीजिएगा, चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिएगा, उसके साथ ये और ज़्यादा अच्छा लगता है।
देखिए कितनी आसानी से ये हमारा घर पे क्विक एंड ईजी इंडियन डोनट्स बनके तैयार है। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।